सादर प्रणाम। सार्थक संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत। सार्थक संवाद की श्रृंखला में हम हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उन राजनेताओं से आपको रूबरू करा रहे हैं जो हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महती भूमिका में। इसी क्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल कर दिखाया। हरियाणा के जिक्र के साथ लालों की बात होती थी, तीन लालों को ही हरियाणा की राजनीति का पर्याय माना जाता था, लेकिन इस शख्स ने इस अवधारणा को तोड़ा और केवल तोड़ा ही नहीं बल्कि बखूबी 10 साल तक राज करने का करिश्मा भी कर दिखाया। यहाँ आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जननायक देवीलाल को लगातार शिकस्त दी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को दो विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दिलाकर 10 साल तक सत्ता में बने रहने का करिश्मा भी कर दिखाया। विगत 5 वर्ष की लुका छिपी के बाद एक बार फिर वह मुख्य भूमिका में है। कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें उनकी इस नई भूमिका के साथ जुड़ी थी। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में वह अपनी पार्टी की और हरियाणा की क्या दशा दिशा देख पा रहे हैं, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर उनके अब तक के राजनीतिक सफर। भूपेंद्र सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति का कखहरा परिवार में ही पिता से सीखने को मिला। इनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी और संयुक्त पंजाब प्रांत की सरकार में मंत्री भी रहे। रोहतक के सांघी गांव में जन्मे हुड्डा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिता के मार्गदर्शन में राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। सक्रिय राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साल 1972 में पदार्पण किया। इसी साल वो किलोई ब्लॉक समिति के अध्यक्ष बनाए गए। साल 1980 से 1987 तक वो हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर रहे। इसके बाद वो 1991, 1996, 1998 और 2004 में लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य चयनित हुए। साल 1996 से 2001 तक वो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। साल 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ये सिलसिला जारी रहा और वो एक बार फिर से साल 2009 में मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन इस दौरान प्रदेश में उनकी सरकार को लेकर अलग अलग तबके में रोष और खुद पार्टी के भीतर भी उनके प्रति साथी नेताओं का रोष बढ़ता देखा गया, जिसका खामियाजा उन्हें 2014 के चुनाव में करारी हार से चुकाना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारी कि उसे मुख्य विपक्षी बनने तक का मौका नसीब नहीं हो सका और वो तीसरे पायदान पर सिमट गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। उनका नाम विवादित वाड्रा DLF लैंड डील में भी उछल चुका है। ये मामला उस वक्त उजागर हुआ था जब प्रदेश में उनकी सरकार थी। मानेसर जमीन घोटाला मामले को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा विवादों में रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर खुद पर हुए हमले के पीछे हुड्डा के लोगों का हाथ बता चुके हैं। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक आलोचक ये भी कहते हैं कि हुड्डा ने अपने शासनकाल में विकास का दायरा कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही रखा। खैर, हरियाणा कांग्रेस में उनकी धाक आज भी कायम है। शायद इसी वजह से चुनाव से चंद सप्ताह पहले उन्हें विधायक दल का नेता बनाए जाने का फैसला लिया गया। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि हुड्डा अपनी एक नई सियासी डगर पर निकलने को तैयार थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हें रोकने के लिए ही पार्टी में उनका कद चुनाव से पहले बढ़ा दिया। खैर, जो भी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आगामी चुनाव किसी टफ चैलेंज से कम नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के चुनाव अभियान के प्रभारी, लीडर ऑपोजिशन, पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। तो आप एक बार फिर लड़ाई के लिए तैयार हैं, किस उम्मीद के साथ हैं, जबकि अभी पहली लड़ाई आपने इतनी बुरी तरीके से हारी आपकी पार्टी ने? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि जो हमारा संगठन का बदलाव हुआ है, उसके बाद 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में शैलजा जी और मैं
मीटिंग करके आए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथियों की, और जो कार्यकर्ताओं में लोकसभा के चुनाव के बाद निराशा थी वो आशा में तब्दील हो चुकी है। बड़ा भारी सहयोग मिला, बड़ा भारी जोश है, और वो देखकर उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में अचरज से नतीजे आगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अचरज की उम्मीद किस आधार पर करें? लोगों में देखता हूँ, मैं राजनीति में हूँ जी, और लोगों को पहचानता हूँ। जिस हिसाब से निराशा छाई हुई थी, जब कोई निराशा एकदम आशा बदलती है जी, तो उससे दुगने जोश से आदमी काम करता है जी। तो आशा की ये उम्मीद किस कारण से जागी? चुनाव अभियान के प्रभारी तो लोकसभा में भी भूपिंदर सिंह हुड्डा थे, अशोक तंवर के कामकाज में ऐसी क्या खराबी थी जिसमें आपको लगता है कि शैलजा जी का आना इतना बड़ा प्रभाव देगा? जो भी है जी, ये जो संगठन का बदलाव हुआ उसके बाद एक नई उमंग जागी है लोगों में। ये भूपिंदर जी, आप नहीं मानते कि इस समय कांग्रेस न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में ही सबसे खराब दौर से गुजर रही है? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, लेकिन जो जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट के मुद्दे और होते हैं, असेंबली के मुद्दे और होते हैं। यहाँ भाजपा की सरकार है पिछले 5 साल से जी। आज उसकी सरकार की विफलताएं हैं, विफल सरकार है जी। तो इसकी विफलताएं और 10 साल की हमारी उपलब्धियाँ थी वो देखेंगे लोग, क्योंकि ये जितने इन्होंने 154 वायदे किए थे जी, एक भी वायदा इसने सरकार ने पूरा नहीं किया। जैसे मान लो किसान हैं, किसानों को कहा था कि हम स्वामीनाथन का भाव देंगे, वो तो दूर, आज MSP नहीं मिल रहे उनको, उनके लाले पड़ रहे हैं। जैसे आपके ये सरसों है, ये सूरजमुखी है, या आपका बाजरा है, इस किस्म की फसलें जो हैं उन पर कंडीशन रख देते हैं कि 5 क्विंटल लेंगे हम तो एक एकड़ में, 7 क्विंटल लेंगे, बाकी कहाँ किसान लेंगे। आज भी जो ये परमल धान आया हुआ है वो जो निर्धारित MSP है, आप जाके मंडी से पता कर लो, पिपली मंडी से अभी मेरे पास खबर आई है 100-150 रुपया कम बिक रहा है, क्योंकि खरीद शुरू नहीं करी। अगर मंडी में धान आया हुआ है खरीद शुरू नहीं करी तो डिस्ट्रेस सेल होती है और किसान को मार पड़ती है। हमारे समय में मतलब ना तो खाद पर टैक्स था, ना पेस्टिसाइड्स पे था, ना स्पेयर पार्ट्स पे था, और ये रिकॉर्ड की बात है, डीजल पूरे उत्तर भारत में सबसे सस्ता था, राजस्थान से सस्ता था, दिल्ली से सस्ता था, UP से सस्ता था, पंजाब से सस्ता था, जो हमारी नेबरिंग स्टेट। आज खाद पर भी टैक्स लग गया, आपका पेस्टिसाइड्स पे भी टैक्स लग गया, आपके ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी लग गया। डीजल का जो 9% था वैट स्टेट का, वो बढ़ाकर 18% कर दिया। आज दिल्ली से भी महंगा डीजल है हरियाणा में, तो लागत तो बढ़ रही है किसान की, आमदनी घट रही है, उसका नतीजा ये हो रहा है किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। तो आज बर्बादी के कगार पे किसान, उदाहरण के तौर पे जो पॉपुलर जो किसान पैदा करता है वो 1200 या 1300 रुपये बिकता था, आज 250-300 रुपये बिकता है। इसी प्रकार कपास पिट रही है, हर फसल पिटती जा रही है। अभी 1.5 साल हुआ आलू की फसल आई थी, आलू की फसल आई, मैं मंडी में गया पीपली मंडी में, जो आलू की सबसे बड़ी फसल हमारी मंडी है, 9 पैसे किलो आलू बिका है, मेरे पास रसीद है। तो हम बताइए क्या करेगा किसान, 9 पैसे बेचकर तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं निकलता, तो ये परिस्थिति है। इसी प्रकार से जो शेड्यूल कास्ट है, हमने 100-100 गज के 382,000 ड्वेल प्लॉट दिए, 382,000। अब 5 साल हो गए इनको, एक गांव और एक आदमी का नाम बता दें इन्होंने किसी को दिए शेड्यूल कास्ट के लिए कोई प्लॉट दिया हो। हमने शेड्यूल कास्ट के गरीब बच्चों के लिए, हरियाणा पहला प्रदेश था जो हमने स्कॉलरशिप शुरू करी पहली जमात से, जो बच्चा पहली जमात में दाखिल होता था उसको हम स्कॉलरशिप शुरू करते थे, उसमें भी घोटाला हो गया, उसकी में भी गड़बड़ आ गई। फिर हमने 10 लाख शेड्यूल कास्ट के घरों में पीने के पानी का इंतजाम किया, 200-200 लीटर की टंकी दी और वहाँ तक कनेक्शन पहुँचाया फ्री जी। इन्होंने कोई किसी को दियो तो बताओ। इसी प्रकार से दाल रोटी की स्कीम बनाई हमने, दाल सस्ती थी, दाल रोटी में खरीद में घपला हो गया, स्कीम ही बंद कर दी। तो ये आप देखते हैं, ना तो कोई वेलफेयर स्कीम चल रही, खिलाड़ियों का आप देख रहे हो क्या तमाशा हो रहा है, वो अपने इनाम के लिए तरफ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी देखो आप, सरकारी कर्मचारियों से इनका वायदा था कि हम आते ही, इनके मैनिफेस्टो आप इनका देखना, ये था कि हम पंजाब स्केल लागू करेंगे। पंजाब स्केल तो दूर, जो 7th पे कमीशन है
जो कहते हैं हमने लागू कर दिया, उसका भी एचआरए का 6000 करोड़ कर्मचारियों को बाकी है। इसी वास्ते रोज़ कर्मचारी सड़कों में रहते हैं, रोज़ उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, कभी किसी को कभी किसी को। ये आपके सामने स्थिति है, व्यापारी से बात करो, व्यापारी परेशान है, वो कहेगा मेरी तो कमाई मुनाफा तो दूर, मैं तो अपनी पूंजी खा रहा हूँ। क्यों भाई पूंजी को खा रहे हो, कभी GST कभी नोटबंदी, ये स्थिति है। और नई नई स्कीम लाते हैं, आढ़ती और किसान का जो संबंध था वो भी तोड़ने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हर वर्ग, चाहे कोई सा वर्ग हो, कर्मचारी लगा लो, व्यापारी लगा लो, आपका किसान लगा लो, आप किसी भी वर्ग को देखो, हर वर्ग इससे परेशान है। आपका कहना है हर वर्ग परेशान है, सरकार पूरी तरीके से विफल है, और इसके साथ में आप अपनी सरकार के संदर्भ में भी उपलब्धियां बता रहे हैं। मेरे पास दो सवाल आपके पास हैं, क्रम से मैं वो दो सवाल पूछता हूँ। सवाल इस बात का है, जब ये सरकार इतनी विफल है, इस कदर लोग परेशान हैं, सब कुछ आप खारिज करार दे रहे हैं, तो फिर मनोहर लाल खट्टर और उनकी पार्टी 75 पार का दावा कैसे कर रहे हैं? दावा तो कुछ भी कर लो आप, 90 सीट है ना हरियाणा की जी। आप कह दो कि हम तो 90 में से 110 सीट लेंगे, कोई रोकेगा? वो तो आपकी मर्जी है ना जी। लेकिन किसको कितनी सीट मिलनी है तो लोग फैसला करेंगे, प्रजातंत्र है, लोगों ने फैसला करना है, वो फैसला करेंगे। देखो, उनकी बात को गंभीरता से इसलिए लेना पड़ रहा है कि जब केंद्र के चुनाव हुए तो उस समय पर उन्होंने कहा 300 पार कर दिखाया, उन्होंने कहा हरियाणा की 10 जीतेंगे, 10 की 10 जीत दिखाई। हरियाणा क्यों, तो पूरे उत्तर भारत में जीते हैं जी। वो तो वेव थी एक। नहीं तो उनकी बात को गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा ना, पार्लियामेंट के मुद्दे और होते हैं जी, प्रदेश के और हैं। आपके सामने उड़ीसा का उदाहरण है जी। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार 2/3 मेजोरिटी के साथ में है, और केंद्र में ऊपर गए भाजपा के MP, जबकि नीचे और ऊपर दोनों लड़े थे आपस में। ये आपके सामने है भाई। आप 2009 में देखो, 2009 में हरियाणा में पार्लियामेंट में 10 में से 9 सीट जीते, एक चौधरी बजाना जीता था जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाली तो इनेलो कोई नहीं जीती थी ना, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में 32 सीट जीते वो जी। ये तो आप कह नहीं सकते ना, यहाँ स्टेट के मुद्दे और होते हैं, और ये परफॉर्मेंस इनकी कोई है नहीं, कोई नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो से होते हैं, तो दिस इज नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। सिर्फ बात बातें आती हैं, इवेंट मैनेजमेंट आता है। आपने कहा ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, और आप अपनी गवर्नमेंट जो आपने 10 साल चलाई उसे परफॉर्मिंग गवर्नमेंट करार देते हैं, उसकी उपलब्धियां भी आप बताते हैं, आपके पास दावा करने का अख्तियार भी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इतने मंझे हुए अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, क्या इस नतीजे पर पहुँचे कि जब इतना बेहतर काम आपने किया था, इतनी उपलब्धियां आपकी सरकार के साथ थी, तो इस प्रदेश की जनता ने आपको 15 सीटों पर क्यों समेट दी? देखिए, ये तो वक्त वक्त की बात है, क्योंकि 2014 में ऊपर मोदी जी की सरकार बनी थी जी, भाजपा की पहली दफ़ा सरकार बनी इतने में मुझसे, और लोगों को बहुत आशा थी उस टाइम। उसके फौरन बाद सबसे पहला चुनाव तो हमारा हुआ जी, सबसे पहला चुनाव तो हमारा हुआ, तो वो कारण था। और फिर 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती, कोई भी कारण लगाओ आप, विधायकों के खिलाफ हो जाती है, कोई किसी की बात की हो जाती है, तो ये बहुत सारे कारण उसमें हुए, और ये तो होता रहता है। अब तो जो जिस भाजपा की जिसकी 47 सीट आई हमारे यहाँ, मतलब 2005 में शायद 2 ही सीट थी, दो सीटें थी जी। 2009 में शायद 5-6 सीट होंगी, तो ये तो वक्त वक्त की बात है जी। तो ये देखते हैं, और ये क्योंकि इनकी नॉन परफॉर्मेंस है, ये आपके सामने है, और इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। देखिए, आफ्टर ऑल प्रदेश का विकास किस चीज़ पे है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, कम्युनिकेशन पे, बिजली पे, यही तो है चीज़ें। अब हमारे समय में शिक्षा का मैं बताता हूँ, शिक्षा का हब बनाया हमने हरियाणा को। एक सिरे से शुरू हो जाओ आप, पंचकुला से शुरू हो, वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जाने का काम किया हमने, हमारे समय में आया, वो शुरुआत हो गई, कंप्लीट हो गया। वहाँ से आप आ जाओ कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल, एक अहमदाबाद में है, या दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र में बन रहा है। उसके बाद आ जाओ आप करनाल, कल्पना मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया हमने, फिर पानीपत की रिफाइनरी बढ़ाने का काम किया, फिर आप आ जाओ सोनीपत, देश के आज़ाद होने के बाद पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया, महिला यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी
जिसमें IIT भी है, जिसमें आपका अशोका यूनिवर्सिटी भी है, उसमें SRM भी है, बहुत सारे उसमें वो हैं, और निफ्टम देश की पहली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन फूड टेक्नोलॉजी वो सोनीपत में बनाने काम किया। चौधरी छोटू राम के नाम से एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। फिर वहाँ से चले जाओ फरीदाबाद, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। वहाँ YMCA जो इंस्टीट्यूट था छोटा सा, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आप मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। आप गुड़गांव चले जाओ, वहाँ से देश का सबसे पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी का वहाँ शिलान्यास करवाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमने। फिर आप महेंद्रगढ़ चले जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जहाँ लॉ कॉलेज भी होगा, जहाँ मेडिकल कॉलेज भी होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरी संस्थाएँ होंगी उसमें। फिर आप झज्जर आ जाओ, झज्जर में एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया हमने। फिर आप रोहतक आ जाओ, रोहतक में IIM और मेडिकल यूनिवर्सिटी और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। फिर आप चले जाओ भिवानी, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से मैं यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, वहाँ मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया, उसमें जो आज भी बन रहा है। फिर आप चले जाओ हिसार, वहाँ लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंस की यूनिवर्सिटी बनाने का हमने काम किया। फिर आप आ जाओ जींद, जींद में चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से हमने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। फिर आप आ जाओ सिरसा, सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इस प्रकार से और भी तो मोटी मोटी बात बताई हमने। फिर आप आओ हमारे आने से पहले 2005 से पहले बिजली एक मुद्दा होता था और बिजली की वजह से सरकारें गिरती थी बनती थी, लेकिन अब बिजली मुद्दा नहीं रहा क्योंकि 4 पावर प्लांट नए हमने लगाए। एक यमुनानगर में पावर प्लांट कंप्लीट किया, 2 झज्जर में किए, 1 हिसार में किया, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट मंजूर फतेहाबाद में कराया। ठीक है, ये पूरे हरियाणा ही बता रहा हूँ। इसी प्रकार से मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़ तक मेट्रो हम ले गए और दिल्ली से गुड़गांव तक ले गए, दिल्ली से भादरगढ़ तक मेट्रो हमारे समय में सब हो गई थी, जो फीता किसी ने काटा हो। योजनाएं आपके समय की थी? नहीं नहीं, सारा काम हो गया था, 80% 90% काम हो गया था। फिर रेलवे लाइन, रेलवे लाइन जो सोनीपत से जींद वाया गोहाना हमारे समय में बनी, और रिवाड़ी से रोहतक वाया झज्जर हमारे समय में बनी, और अब जो हिसार से जो है महम से हिसार तक की हमारे समय में मंजूर है, बल्कि 2 लाइन और मंजूर कराई थी, 1 यमुनानगर में, 1 मेवात में, वो तो अब ठप है कोई नहीं। तो इसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ लो, मेट्रो लो, ले लो, सड़कें, नेशनल हाईवे हमारे समय में मंजूर हुई, जमीन अखबार, अब इनके समय में वहाँ से लेकर महेंद्रगढ़ से लेकर आप चले जाओ ये असम तक, लोग धरने पर बैठे हैं किसान, कंपनसेशन नहीं मिल रहा उनको सड़कों का जाल बिछाने का हमने काम किया। तो एक बात बताओ इनसे, इनके क्या काम, इन्होंने सरकार बनते ही ये कहा था कि जो ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है इसको हम कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। खैर कहा, नाम बाद में बदल दिया, कोई बात नहीं, नाम बदलना नहीं चाहिए था जी। जिनके नाम से भी रखा उनको और बड़ा इंस्टीट्यूट रख सकते थे, लेकिन चलो बदल दिया, कोई बात नहीं। तो आज उस यूनिवर्सिटी में एक ईंट नहीं रखी गई, 5 साल हो गए पूरे, अब बनते ही कहा था। इसी प्रकार से इन्होंने कहा राइस स्पोर्ट्स स्कूल को हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, अब चुनाव से पहले कैबिनेट में पास किया है जी। 5 साल तक सोते रहे। तो एक काम बता दे भाई, 1 इंच रेलवे लाइन लेके आए हूँ, 1 इंच मेट्रो का इजाफा किया हो, 1 कोई पावर प्लांट, जो पावर प्लांट हैं आज हरियाणा में इतनी क्षमता है 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, पूरा लोड फैक्टर नहीं उठाते वहाँ से पावर प्लांट में बिजली। इनका वायदा था 24 घंटे बिजली देंगे हम गाँव में, आप जाके गाँव में देखो कितने घंटे बिजली मिलती है। आप पूरा हरियाणा गिना दे रहे हैं कि आपने पूरे हरियाणा में काम किया, लेकिन आपके विरोधी तो आरोप ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस बात का लगाते हैं कि उन्होंने क्षेत्र विशेष की तरक्की की और इसीलिए जो है उन्हें जाना पड़ा। आप मेरे को पहले बताते तो मैं कटिंग लगा देता कि जब वहाँ से बाहर होते हैं, मान लो रोहतक है मेरी, वहाँ रोहतक से बाहर होंगे तो कहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारा काम अपने क्षेत्र में किया, लेकिन जब मेरी निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं सांपला में रोहतक में तो कहते हैं या तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कौन सी बात सच है जी। सिर्फ प्रचारक की प्रचार करने, अब मैं किसी को झूठा तो नहीं बताता, लेकिन सच की सच ही बोले थे, जो जिम्मेवार बैठ पे सच बोले तो अच्छा है।
आपको कहना है जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग सच बोलें तो अच्छा है। उनका कहना है कि मैंने कुछ किया हो या नहीं किया हो, पर हरियाणा में जो ये पर्ची और खर्ची का मामला था नौकरियों में, उस पर ताला डाल दिया। ऐसा है, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय हो चाहे चौटाला जी का समय हो, नौकरियां जो हैं वो बढ़ती थी। पर्ची खर्ची की बात नहीं है, वो तो चलो इनकी कहानी है, लेकिन नकदी जी। ये पहला प्रदेश है पूरे देश में जी। जिसका एसएस कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड किया हो जी। जिसके एम्प्लॉय जेल में गए हों, पैसे लेते पकड़े गए। इन परचून के में जैसे नौकरियां बिकती है ना जी। ऐसे बिकी हैं, आप निकलवाओ कितने पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कितनी नौकरियां निरस्त हुई हैं, कभी नहीं हुआ इतना सा। अब ये कह रहे हैं, हाँ एक काम कह रहे हैं कि 18,000 नौकरियां जॉब लगाई इन्होंने, जिनका कह रहे हैं कि वो हमने बगैर इंटरव्यू के लगाई हैं। देखिए कौन लगाए भाई, वो जो लड़के इंजीनियरिंग पास हैं, जो लड़के एमए हैं, जो लड़के पीएचडी बच्चे जी जी। लड़के लड़की जो पीएचडी हैं, एमएससी हैं, सब इसके हाईली क्वालिफाइड हैं, वो क्या लगाए भाई क्लास डी में? क्लास डी में क्या लगता है चपरासी पीएम? एक बात बताएं आप मेरे को जी, अगर ऐसा ही है जिसका बच्चा इंजीनियरिंग करके चपरासी लगना है, तो वो उसका बुजुर्ग अपना पेट काट के बच्चे को क्यों पढ़ाएगा जो 10वीं 12वीं लगना है? इससे बड़ा भारी गुमराह किया लोगों को, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कैसे? जो लगने चाहिए थे, जो गरीब हैं, जो 10वीं 12वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ सके, वो तो वंचित हो गए। तो पोस्ट क्लास डिग्री उनके लिए होती है, और जो उनको लगाया वो अपमानित हो गए। आज ये वाइट पेपर इशू क्यों नहीं करते, आधे से ज़्यादा छोड़ गए। मैं भिवानी की बात बताता हूँ आपको, मैं भिवानी एक वर्कर मीटिंग में गया था, वहाँ लोगों ने बताया मेरे को, बोला जी यहाँ जो रेस्ट हाउस में है, जो एक लड़की हमारी बेटी एमए है, वो पानी पिलाने पर लगाई हुई है। बोला जी हम बैठे तो पानी लेके आए, वो तो हमने खड़े पता लगा भाई ये लड़की एमए है और पानी पिलाने की नौकरी दे रखी है। खड़े होके कहा बेटी हम तू रहने दे, पानी हम अपने आप पी लेंगे। तो ये स्थिति हो रही है, इतना लोगों को गुमराह किया। आज आपको मालूम होना चाहिए बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में टॉप पर है, 28%। आज दर जो है हरियाणा की 28% है, जबकि 2012 में 2.8% थी। मेरे आंकड़े नहीं है ये तो आपने खुद पढ़े होंगे आंकड़े। आज बेरोजगारी किस हिसाब से बढ़ रही है आप सब देख रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिया। तो कुल मिलाकर इस सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर मोर्चे पर खारिज कर देते हैं। लेकिन जानने का विषय ये है भूपेंद्र जी कि क्या इस सरकार का खारिज होना ही कांग्रेस के लिए संभावना है, या कांग्रेस के खाते में भी कुछ है बताने के लिए? कांग्रेस के खाते में मैंने बताया आपको, मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ कि आप जो भी कुछ बता रहे हैं वो अपने 10 साल का कार्यकाल बता रहे हैं, पर पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या कमाल किया है इस प्रदेश में जिसके आधार पर आपको लगता है कि नहीं नहीं जनता को हमारे पर विचार करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने, हमने जगह जगह किसान सम्मेलन किए, किसानों की समस्याएं उठाई, जैसे मैंने कहा पीपली मंडी में गया, मंडियों में गए, हमने दलित सम्मेलन किए, हमने व्यापारी सम्मेलन किए, अलग वर्ग वर्ग के अलग अलग उठाई। आज कानून व्यवस्था क्या हालत है? आज कानून व्यवस्था, आज रोज अखबार उठा के देखो, आपका भी अखबार निकालता ही होगा ये हरियाणा के, कि आज फलानी जगह कहीं कत्ल है, कहीं बलात्कार, मतलब जो प्रदेश नंबर एक था प्रति व्यक्ति आय में 2014 में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज नंबर एक किसी में है बेरोजगारी और अपराध में। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो आंकड़े, सरकारी आंकड़े। मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके संदर्भ में, लेकिन मेरा जानने का विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी के इतर अन्य भी विरोधी दल मैदान में हैं। इंडियन नेशनल लोक दल भी है, नवगठित जननायक जनता पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी जो है बाहें फुलाए हुए मैदान में उतर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कमाल करने की उम्मीद रखती है। तो आखिर इतने विकल्पों के बीच में लोग कांग्रेस को चुने, इसके लिए बताने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास क्या है? 5 साल आपने जनता की कौन सी लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी ने? मैं बता रहा हूँ जगह जगह की, अपने सबके सारे वर्गों की आवाज़ उठाई। जो किसान सम्मेलन का आप हवाला दे रहे हैं, तो 5 साल से जो अध्यक्षता वो तो घर बैठ गया है जाके। नहीं नहीं, कांग्रेस मान लो मैंने कोई किया तो कांग्रेस के नाम पे किया ना जी, ये कोई जरूरी नहीं है हर जगह कोई एक व्यक्ति का हो, अलग अलग जगह कांग्रेस के वो होते रहे पूरे उसमें। पर आप ये बात तो मानते होंगे, आपका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, कि कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस ही रहते हैं,
कांग्रेस का अपना अंतर विरोध नहीं नहीं, नहीं अंतर विरोध कुछ नहीं, वो ज्यादा आप लोगों के लिखने में मजा आता है आपको, बाकी असलियत से दूर है आप। अब भाई पार्टी है, पार्टी में प्रजातांत्रिक पार्टी है जी, मतों का मतभेद हो सकता है लेकिन जब चुनाव आता सब एक होकर लड़ते हैं, क्या बात। आपकी पार्टी की नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, वह जाके जो है पंचकुला में चार्ज लेती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में, आप भी जाते हैं, आपके सारे समर्थक भी जाते हैं, पर जिसने 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाया था वो ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर नजर नहीं आता है, तो इसके लिए आप मीडिया को दोषी मानते हैं या उस पूर्व अध्यक्ष को दोषी मानते हैं? नहीं, मैं दोषी किसी को नहीं मानता, इसमें मीडिया ने तो फैक्ट बात है वो लिखी है होगी, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इस बात से आप कोई कंक्लूजन लिखो भाई कांग्रेस में फूटा है, ये तो कोई कार्य हो गया होगा, नहीं आए उनको, नहीं आते नहीं, हर जगह कोई जरूरी नहीं है। एक सवाल इस बात का भी कांग्रेस ही लोग कर रहे हैं कि आखिर चुनाव लड़ेंगे कैसे, पिछले 5 साल में जिला स्तर पर कोई स्ट्रक्चर तो पार्टी का बचा नहीं है, ना अध्यक्ष हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक अध्यक्ष की तो बात छोड़िए, तो संगठन का ये अभाव आपको नहीं लगता है कि आपकी चुनौती को मुश्किल करार बना देता है? इसमें कोई दो राय नहीं, आप ठीक फरमा रहे हैं कि आज हमारे पास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी नहीं है, जिला कांग्रेस कमेटी भी नहीं है, लेकिन इसमें संगठन में कमजोरी आती है इस बात में, लेकिन आज जो चुनाव का माहौल देखा मैंने, देखा आज हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित कैसे करेंगे, 90 सीटों पे आपको चुनाव लड़ना है? व्यवस्थित जो चुनाव लड़ेंगे हम भागेंगे दौड़ेंगे खूब पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो फिर ये हवा क्यों फैली कि कांग्रेस में जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी आए वैसी कोशिश की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में कुछ मेल मुलाकात होकर समीकरण बन जाए और एक गठबंधन के तौर पर मैदान में आ जाए? नहीं, मैं इसका आधार मेरे को मालूम नहीं जी। हमारी तो कोई मुलाकात नहीं, मैंने तो चैनल में देखा कि शैलजा मिल रही है, मैं मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई मुलाकात नहीं। मैंने जैसे कहा जी, हम सबका मान सम्मान करते हैं लेकिन किसी भी दल की प्रस्तावना नहीं है। पार्टी की रीति से विपरीत धारा 370 पर बेबाक राय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रखी, क्या कारण ऐसा रहा जिसमें आपको लगा कि इस पर मुझे अपनी राय सार्वजनिक भी करनी चाहिए? देखिए बाद में पार्टी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया जी, 370 का विरोध किसी ने नहीं किया जी, वो कुछ साथियों का व्यू था कि तरीका नहीं था, क्योंकि नहीं तो ये तो ऑलरेडी डिल्यूट हो गया था जी। 370 एक बार थोड़ा शास्त्री जी के टाइम में मूल स्वरूप में तो काफ़ी बदलाव आ चुका है, पंडित जी के टाइम में मांग आई थी सांसदों की इसको किया जाए, तो इसमें ये था उसका आपके सामने खराब तो कोई मुद्दा नहीं है, तो कानून बन गया देश जी। नहीं नहीं, मेरा जो सवाल है वो ये कि इस पर इतनी बेबाक राय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी, प्रजातांत्रिक पार्टी है, मेरा अपना वो था भी मैंने रख दिया पार्टी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उन्हें लगता है कि अब एक बार फिर उन्हें दावेदारी करनी है या किसी और को आप इस जिम्मेदारी के लायक सोचते हैं? देखिए जहाँ तक इसका सवाल है, कांग्रेस पार्टी का एक तरीका है जी, और सारी पार्टी का तरीका है जी। 2014 में कोई खट्टर साहब को तो चेहरा नहीं बनाया था बीजेपी ने जी, बाद में बने थे, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है किसी भी पार्टी का जी, कांग्रेस का हो बीजेपी का, वो चेहरा बनता है जी। ये एक तरीके की बात, जहाँ सिटिंग नहीं होता वहाँ पार्टी फैसला करती है, विधायक बनते हैं, पहला हमारा लक्ष्य है कांग्रेस की सरकार बनाने का है जी। वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो वहाँ के विधायक और हाईकमांड फैसला करेगी। 2005 में मेरे को चेहरा नहीं बताया था जी। तो क्या हुआ, नतीजा क्या था जी। पार्टी ने मेरे को मुख्यमंत्री बनाया, विधायकों ने मेरे को मुख्यमंत्री चुना। नहीं, मेरा तो सवाल ये था ही नहीं हुड्डा साहब कि आपको पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना रही है या नहीं बना रही, मेरा सवाल तो बहुत स्पष्ट आपसे ये था कि एक पारी मुख्यमंत्री के तौर पर और खेलने के लिए कोई हजरत भूपेंद्र हुड्डा जी के अंदर बाकी है या उन्होंने माना है कि नहीं, इस पद पर तो मेरा पर्याप्त हो गया, कुछ और जिम्मेदारी मिलेगी तो देखूंगा? नहीं देखो, कुछ काम अधूरे हैं पूरा तो करना चाहता ही हूँ। तो कुछ काम अधूरे हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि आपके साथ में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा जी को दी गई और शैलजा जी ने यह कहा कि मुझे पूरे प्रदेश में दौरा करना है, चुनाव लड़ाना है, इसलिए मैं स्वयं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। शैलजा जी से ज़्यादा लोगों को उम्मीद है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में, स्टार कैंपेनर भी आप ही रहने वाले हैं, चुनाव अभियान समिति के प्रमुख भी आप ही हैं, आपका भी कोई ऐसा फैसला है या आप विधानसभा में उतरने जा रहे हैं? ऑलरेडी आप विधायक हैं। वैसे तो मैं विधायक हूँ, पार्टी फैसला करेगी, मेरे को चुनाव लड़ने में और प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है जी।
मैं अपना चुनाव जो है अपने अपने लोगों पर मेरे को विश्वास है उनको सौंप के जाता हूँ हर बारी। आपको नहीं लगता है कि शैलजा जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए? वो उनकी इच्छा है। पर आप चुनाव अभियान समिति के प्रमुख हैं, रणनीतिकार हैं, आपको नहीं लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने का फैसला कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है? कमजोरी की बात नहीं है, नहीं लड़ना चाहिए, कभी लड़ी नहीं, पहले विधायक का इलेक्शन हुआ, सदा पार्लियामेंट का ही लड़ा उन्होंने। मैं तो पार्लियामेंट का भी 4 बार पार्लियामेंट में भी रह लिया, 4 बार विधायक भी रह लिया, वो विधायक का चुनाव कभी लड़ी नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो बिल्कुल उत्तर है हुड्डा साहब, कि आपके पास में जिम्मेदारी है पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में जिताने की। चुनाव तभी जीतेंगे जब मजबूत जिम्मेदारी तो पूरी पार्टी को, मेरी अकेले को नहीं है। प्रमुख हैं आप चुनाव विधान समिति के, इसलिए मैंने कहा आपकी जिम्मेवारी इसलिए करार दे रहा हूँ क्योंकि आप चुनाव विधान समिति के प्रमुख हैं। तो मेरा सवाल इस बात का है कि जो मजबूत प्रत्याशी होते हैं, जो पार्टी का चेहरा होते हैं, वो मैदान में होते हैं तो एक माहौल बनता है। अगर प्रदेशाध्यक्ष ही मैदान में नहीं होगा तो सारे विपक्षी टूट पड़ेंगे, हार के डर से नहीं लड़ रहे, हार के डर से नहीं लड़ रहे। कोई बात नहीं, मैंने बताया ना जी। वो MLA का चुनाव कभी लड़ी नहीं है, और अध्यक्ष हैं, उनको जाना पड़ेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। चुनाव लड़ने ना लड़ने से प्रचार में मेरे कोई अंतर आने वाला नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कल एक फैसला अघोषित तौर पर लिया है अपनी प्रदेश चुनाव समिति में कि वह अपने सांसदों के नातेदारों रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस में भी इस तरीके के किसी फैसले की उम्मीद है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या जो भी जीतने लायेगा वो प्रत्याशी रहेगा? देखिए, जहाँ तक विधायक का सवाल है, विधायक तो मैं समझता हूँ एक परिवार से एक ही लड़ना चाहिए। ये एक बड़ी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के संदर्भ में है, ये बात उनके संदर्भ में बड़ी इसलिए हो जाती है कि दीपेंद्र हुड्डा भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखे जाते हैं। ये तो पार्लियामेंट लड़े थे जी, क्या उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई संभावना? अभी कह नहीं सकता मैं, पार्टी की वो है, लेकिन मैंने तो अपना विचार बताया, बाकी पार्टी का फैसला होगा जैसे होगा। ये आपने बीजेपी कहा, बीजेपी में बहुत सारे उदाहरण है जी, एक परिवार से दो दो तीन तीन लड़ रहे हैं, मैं किसी परिवार का नाम नहीं लेना चाहता जी। आखिरी बात, आप अपने 10 साल के कार्यकाल में तमाम चीज़ों को अमल में ला पाए, कई उपलब्धियां आपके खाते में, इस चुनाव में वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आप सोचते हैं कि ये जनता के लिए होना चाहिए और वो कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकती हैं, इस पर विचार होना चाहिए? देखिए, जो है बहुत सारी बातें हैं जी, बुजुर्ग की पेंशन से लेकर उनको टाइम पर मिले और उनको चारपाई पर मिले जैसे पहले हमारे समय मिलता था, और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके बच्चों के वजीफा टाइम पे मिले और इजाफा हो उसमें अच्छा खासा, ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। सफाई कर्मचारी हैं, उनकी कमी है भाई, सफाई, स्वच्छ भारत तो होना ही चाहिए ना, स्वच्छ हरियाणा भी होना चाहिए, तो स्वच्छता के लिए तो सफाई कर्मचारी ज़रूरी है। आज पूरे गांव में सफाई कर्मचारियों की कमी है, हमने पहले एक कलम से 11,000 का नियुक्ति की थी, हमारा विचार है इसको और बढ़ाएंगे, बहुत बहुत बड़ी तादाद में बढ़े ताकि पूरे उसमें हो। इस प्रकार से बहुत सारे हैं सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पंजाब वेतन हमने लागू कर दिया था जी। नहीं, सरकार ने उल्ट कर दिया, वायदा करके नहीं किया, तो उनको पंजाब वेतन मिलना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम करें, बाकी घोषणा पत्र तैयार होगा, बहुत सारी साथियों को सुझाव भी आएंगे, तैयार होगा, आपके सामने आ जाएंगे, हर वर्ग के लिए हम वो लाएंगे। और बेरोजगारी का कैसे हो, कि नशा जो नहीं था यहाँ, अब नशा घुस रहा है बच्चों में, क्या चिट्टा चिट्टा कहते हैं हमारे एक इलाके में जी। वो बड़ा नुकसान करने वाला है उसकी। और खिलाड़ियों के लिए जो अच्छी खेल नीति बनाई थी हमने, जो स्टेडियम बनाए थे, उनका आज रख रखाव भी नहीं हो रहा जी। ताकि लोगों का, बच्चों का ध्यान उधर जाए और अच्छे खिलाड़ी हम पैदा कर सकें। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए है, और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की है, आज कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो तत्कालीन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बड़ी अभूतपूर्व योजना लाने का सपना देखा था, जिसका नाम उन्होंने न्याय योजना बोला था, न्यूनतम आय योजना के संदर्भ में। क्या कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में ऐसी कोई उम्मीद की जा सकती है, क्या आप उसे अमल में लाएंगे? नहीं, हम उसी प्रकार की, वो तो केंद्र की होती है, उसी किस्म से हम भी योजना लाएंगे जो सही मायने में जिनको जरूरत है उसकी मदद हो सके। आपने कहा वो केंद्र की योजना थी, अभी आपके द्वारा जब रैली की गई थी जिसमें आपने कहा कि मेरी कोई राह अलग नहीं थी, उसमें आपने 4 उप मुख्यमंत्रियों की बात कही थी ना? और अभी जब कांग्रेस मैनिफेस्टो की बैठक हुई है उसके संदर्भ में जो खबरें आई हैं, मेरे पास कोई अधिकृत बयान नहीं है, उसमें यह है कि ये कोई कांग्रेस की परंपरा नहीं है,
जानना भूपिंदर सिंह हुड्डा नहीं नहीं मैनिफेस्टो की बात कही आपने, मैनिफेस्टो में एक चीज़ नहीं डाली जाती, मैनिफेस्टो में डाली जाती सरकार बनी तो सरकार क्या काम करेगी, वो तो राजनीतिक सवाल है, तो आज भी कह रहा हूँ मैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पूरा नुमाइंदा दी जाएगी और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए ये करें पूरा सम्मान देने। जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन पर आपके तमाम गंभीर आरोप हैं वो भी आपके संदर्भ में बड़े गंभीर आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि जो लोग हरियाणा जलाने के लिए जिम्मेदार थे उन लोगों के भरोसे कांग्रेस अपना बेड़ा पार करना चाह रही है, क्या कहना है भूपेंद्र सिंह? सवाल इस बात का है हरियाणा का जो जान माल का नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार था? जब ये हुआ आंदोलन इतना जान माल का नुकसान हुआ 66 से लेकर 2014 तक 80 आदमी पुलिस फायरिंग से नहीं मरे, जो 2014 से 2019 के बीच में 80 से ज़्यादा इनकी पुलिस फायरिंग मरे, एक आंदोलन में नहीं पंचकुला में और रामपाल उसमें, ये इनकी गैर तजर्बाकारी की बात है। उसके बाद इन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम प्रकाश सिंह कमेटी रखा था, आपके अखबार में भी बयान आए बहुत लोगों के कि प्रकाश सिंह कमेटी का गठन हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट की इंतजार करो। वो कहाँ है कमेटी की रिपोर्ट? आज कहाँ है? क्यों मेज के नीचे रखी गई? क्योंकि आज वो पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो ये जान माल का नुकसान हुआ उसके लिए जिम्मेवार जो है डिप्टी कमिश्नर, SP, आपका सरकार का IG, होम सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री का दफ्तर तक इंडाइक्टमेंट की हुई है। एक किस्म का कहने का मतलब है पूर्ण रूप से जान माल के दोषी जो है सरकार को ठहराया गया, अपना दोष बचाने के लिए दूसरों पे दोष थोपने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरे को और कोई दोषी होता या मान लो मेरी बात आप कह रहे हो तो अब सरकार तो उनकी है, कोई मुकदमा होता मेरे पे क्यों फिर मेरे को नहीं किया? ये आपके सामने है, खाली बिना आधार के कोई दोष लगाना, मैं दोष नहीं लगाता, मेरा आधार प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट है, मैं वैसे बिना आधार के नहीं कहता। क्यों नहीं उस पर अमल हो गया? कहाँ गई वो रिपोर्ट? क्यों नहीं चर्चा कर रही उस रिपोर्ट की? देखिए भूपिंदर सिंह हुड्डा के संदर्भ में सरकार का तो आक्षेप है कि उनके राजनीतिक सलाहकार रहे जो व्यक्ति थे उनकी सीधी संलिप्तता जो है आग लगाने के मामले में। सलाहकार रहे पता नहीं कौन किस किस का रहा, इसका क्या मतलब? मेरा क्या मतलब है जी? मेरा क्या मतलब है? वो तो उनका चलो सब जुडिस मैथड है, मैं उसके वो बात करेंगे उसमें नहीं, मेरा क्या उसमें है? ये तो आपके बहुत सारे मंत्री भी मेरे रिश्तेदार हैं, हमारे साथी रहे हैं और भी साथी रहे हैं, अब केंद्र में मंत्री है वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, ये कोई मतलब थोड़ा ही है कि फलाना आदमी साथ तक फिर कहते वो भी आपके रिश्तेदार थे जी। ये नहीं बात है, लेकिन घोटाले तो आपके सामने हो रहे हैं हरियाणा में। जाट आरक्षण पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का क्या नजरिया है? आखिरकार ये अभी तो चुनाव का कोई विषय रहेगा नहीं? देखिए वो तो जो बात जो हमने फैसला किया था वो इनने भी किया जी, बल्कि इनने आश्वासन दिलाया जी, ये लेके आए उनको, और जो इनका जिनको कहते हैं इन्होंने वहाँ करा उनके जो उन्होंने सम्मेलन किया उसमें कौन कौन गया? भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वहाँ गया नहीं जसी में जी। आप देखना कौन कौन गया, पता लग जाएगा आपको। वो कहाँ गए आज? उनको देशद्रोही मुकदमा चलाया था, वो कहाँ गए भाई जी? वो कहाँ हैं वो आज? लोग आपके सामने है। खैर ये बातें तो जैसे मैंने कहा ज़्यादा इसमें डिटेल की बात नहीं है, आप प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें आपको पता लग जाएगा। भाई आंदोलन तो मेरे समय में भी इससे बड़े बड़े हुए थे जी। मैंने कभी फौज को नहीं बुलाया जी। तो आपका मानना है कि सरकार के पास निपटने के तरीके ठीक नहीं थे? है ही नहीं, है ही नहीं। बताओ ना आप, पंचकुला में लगाओ, पंचकुला में क्या कौन था वहाँ पे जी? पहले तो कह दिया कि भाई हमने वो लगा दी 157 लगा दी जी। फिर कह दिया हथियार नहीं लेके आएंगे, हाईकोर्ट में कहा, और जब हुआ आपने देखा फिर एक मंत्री का बयान आ गया कि नहीं ये तो श्रद्धालु हैं इनके लिए तो हम पूरा इंतजाम करेंगे, स्वागत करेंगे। बाद में वो हथियार भी पकड़े गए वहाँ, हथियार भी लगा दिए गए, कितने आदमी मार दिए गए, ये सब जो है आप ये समझते हैं ना तजुर्बेकारी का नतीजा है। तो कुल मिलाकर सरकार ना तजुर्बेकार है जिसके चलते ये स्थिति हरियाणा की निर्मित हुई। ये हरियाणा के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मानना है। उनका मानना ये भी है कि जनता इस सरकार से आजिज आ चुकी है, बदलाव के लिए तैयार है और बदलाव के लिए विकल्प कांग्रेस पार्टी है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। हुड्डा साहब हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई लड़ाई के लिए, और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आभार।
तो दोस्तों मुझको दीजिए याद, कल फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। सादर प्रणाम। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।